सभी को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो फोन करके इन्फॉर्मेशन दी, व्हाट्सएप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन दी, अंकिता, रेणु, समर, गौरव, मंडल जी और पंकज, अरुण, माया, रजनी, सभी को, जितने भी हमारे साथी लगातार मुझे फोन कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और अपनी, हो सकता है वो यात्रा पर हो, बीच रास्ते में हो तो फोन न कर पा रहे हो। अभी तक की जो मैंने टोटल लिस्ट नोट करी है यार, वो 32 स्टूडेंट की है और इसमें मुझे उम्मीद है ये 40 पहुंचेंगे 100%, क्योंकि लगातार फोन आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं मेरे पास में। मैं अपने आप तो खुशी हुई हूं। देखिए एक मैसेज और आ गया है बिहार एस्टेट के ग्रुप में, अभी मैं देख करके आपको बताता हूं कि कौन स्टूडेंट है। तो मुझे लग रहा है कि यार आपने जो मैंने कट ऑफ आपको बताई थी, शायद आप उस पर खरे उतरे हैं। बहुत सारे लोगों ने आपको डिफेम भी करने की कोशिश की, नहीं है सब ऐसा है वैसा है, लेकिन आपने उन सबको दरकिनार करते हुए अपने परचम को लहराया है और बिहार में आज आपने जो झंडा ऊंचा किया है ना, उसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत ऊपर वाले से दुआ करूंगा, आपकी डीबी बढ़िया तरीके से हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आए, आपके पूरे डॉक्यूमेंट बढ़िया से वेरीफाई होकर के आप सेलेक्ट हो जाएं और एक बार वो लेटर हाथ में लेकर के, जिसका लोगों को इंतजार था, लोग जो तरह तरह की बातें कर रहे थे कि ये कट ऑफ होगा, वो कट ऑफ होगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप लोग ये यूट्यूबर की दुकान पर है ना, आप एक सही जगह पर थे। आज जो उन लोगों के मुंह पे आपने जो तमाचा दिया है ना, वो वाकई में जो है जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। और आप इसी तरीके से लोगों को जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि जिन लोगों को बोलना आता है करना नहीं आता, उन लोगों को आप लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, इसके लिए आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सिलेक्शन इज द मैटर, मैटर ये नहीं कि मेरे नंबर कमाए। अभी अभी चार लोग बोलेंगे यार कट ऑफ ही कितनी गई, अरे कट ऑफ कितनी गई, तो आप निकाल लिए होते भाई। तो लोगों को डिमोरलाइज बिल्कुल मत करिए, मोरलाइज उनका जो मोरल है वो हाई करिए, और उस मोरल में हमेशा उन लोगों को समस्या आएगी। अभी बहुत सारे लोग ये आपके कहेंगे यार इतना होता तो मैं ही निकाल लिया होता, मैंने दिया ही नहीं परीक्षा। अरे भाई आप भी दे दिए होते परीक्षा, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आपने उन लोगों के लिए जो जवाब दिया है और आपने सेलेक्ट को यूपी के बहुत सारे, कम से कम 8 बच्चे तो यूपी से जो बिहार स्टेट निकाले थे, दिलीप जी बनारस से खुद बता रहे हैं कि मैं हूँ, है ना, पंकज जी झारखंड से हैं और अभी क्या कहते हैं रजनीश भी ये यूपी से है, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 8 बच्चे करीब आसपास जो हैं वो यूपी से हैं और झारखंड से बहुत सारे बच्चे हैं और उस बिहार से तो है ही है। टोटल ये 40+ पहुंचेगा शाम तक, और भी बहुत सारे बच्चे रास्ते में हैं, मैसेज उनके पास हो सकता है जो है करने की सुविधा ना हो, फोन डाउन हो, ये समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन शाम तक आज, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद कुछ लोगों ने जो तुरंत देखा फोन किया, यार कसम से मजा आ गया। तो यही तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों को जरूर समझाओ कि केमिस्ट्री विज्ञान का विषय कभी भी 8 से कंपेयर नहीं किया जाता है। जिन लोगों ने कट ऑफ को 8 से कंपेयर किया, पछताए वही, परेशान वही हुए, उनके दिमाग में इंफिनिटी आई और हमारे उन बच्चों पर उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश की जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, जिनको मैंने बोला कि आप सिलेक्शन के दायरे में हैं, आप घबराइए बिल्कुल नहीं, और वो आज सेलेक्टेड है। इस बात का प्रूफ उन्होंने आज फोन करके, व्हाट्सएप मैसेज दे करके मुझे बता दिया कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है, मेरे नंबर इतने थे। तो आज नंबर मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप एक परफेक्ट टीचर बने हैं। तो इस खुशी के साथ में आप एंजॉय करिए और ईश्वर के साथ मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर की बहुत सारी कृपा आपके ऊपर बनी रहे कि आप आने वाले भविष्य में अपने उन बच्चों को भी बेटर तरीके से पढ़ाएं और इसी तरीके से मोटिवेट करते रहें कि वो जीवन में सफल हो। कभी भी निगेटिविटी अपने मन में मत आने दीजिएगा और उन निगेटिव लोगों को तो जरूर दूर रखिएगा, हटा दीजिए उनको अपनी डायरी में से, हटा दीजिए उनको अपनी लिस्ट में से, हटा दीजिए उनको अपने फोन में से, अपने दिमाग में से, जो निगेटिविटी फैलाते हैं और जो आपको डिमोरलाइज करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का स्थान आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। आप उन लोगों को दिमाग में रखिए जो लोग वाकई में पॉजिटिव सोचते हैं। अभी एक भाई है जिन्होंने हमारे सभी साथियों को, शायद उनका नाम शैलेश जी है, मैं याद कर पा रहा हूं जहां तक मुझे याद है, तो उन्होंने सभी बच्चों को कायदे से मोटिवेट किया ग्रुप में, ये मैंने देखा था,
लेकिन एक दो ऐसे प्राणी पैदा हो गए थे धरती पर जो बेचारे जिनको कुछ आता ही नहीं है, जिनको यही लिखना आता है कि ये है वो है। लेकिन शैलेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं। उन्होंने बच्चों को भरपूर मोटिवेशन दिया, कॉन्फिडेंस मेंटेन रखा और उस कॉन्फिडेंस मेंटेन के लिए भी उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सादर नमस्कार भाई आपके लिए, क्योंकि आपने हमारे सभी बच्चों का बहुत ज्यादा, कि आप कैंडिडेट हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आप ग्रुप में थे और ग्रुप में आपने उनको बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, क्योंकि जिन लोगों ने डिमोटिवेट किया आपने उसको मोटिवेट करने की जो पावर लगाई उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं। तो इस तरीके से आज हमने जो बिहार में अपना रिजल्ट की परफॉर्मेंस दी है, शाम तक 40 प्लस होगा ये मेरा वादा है आपसे, और इन सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। झारखंड बिहार के रिजल्ट में जो बम्पर जीत हम लोगों ने हासिल की है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत है और आपके माँ बाप का आपके ऊपर आशीर्वाद है, इसकी वजह ही बनी। ईश्वर कृपा तभी करता है ना जब आप गुरुजनों की और माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ में होता है, आपकी मेहनत आपके साथ में होती है, ठीक है ना। हम लोग तो मात्र एक गाइड करने वाले हैं, बाकी हम लोगों को बहुत ज्यादा सोचो कि नहीं हमने आपको बहुत, भाई हमने तो एक रास्ता दिखा दिया कि इस ट्रैक पर आपको चलना है। माँ बाप ने आपको आशीर्वाद दे दिया, पिताजी ने आपको आशीर्वाद दे दिया, माता जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया, ईश्वर की आपको ऊपर कृपा हो गई और आप सेलेक्ट हो गए, तो नंबर मैटर नहीं करता। डॉक्टर के अगर इलाज से मरीज सही होता है तो उसकी डिग्री नहीं पूछी जाती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं आप पूछते हैं कि आप केजीएमसी से पढ़े हैं, कि आप मेरठ से पढ़े हैं, कि आप आगरा के कानपुर से, कहां से कहां से आपने एमबीबीएस किया, भाई जब तब मैं आपसे दवा लूंगा, कोई पूछा है आपने ना, बोले साहब डॉक्टर बहुत अच्छा है यही चलेंगे यही दवाई लेंगे, उसकी डिग्री पर ब्लेम नहीं लगाया जाता। इसलिए नंबर आपके चाहे 57 आए हो, 58 आए हो, 62 आए हो, 65 आए हो, चाहे 50 नंबर में आप सिलेक्शन लिए हो, चाहे फिर आपने 48 या 46 नंबर में सिलेक्शन लिया है, डजंट मैटर, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आज आप एक सिलेक्टेड पीजीटी कैंडिडेट कहलाएंगे, इस बात का आपको गर्व होना चाहिए। मुझे तो इस बात का बिल्कुल गर्व है कि आप लोग सिलेक्ट। अब नंबर जब मेरिट ही उतनी गिरी तो हम तो उसमें अच्छे हैं ही ना, इसके लिए क्या करें कि अरे आप मान लीजिए क्लास में बच्चे सबसे टॉपर बच्चा ही मान लो 33% लाया तो भैया टॉपर तो क्लास का है वो, ये तो निश्चित है। आप कितना भी चिल्लाते रहो नंबर कम है नंबर कम है, होने दो ना। अरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चले जाइए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिजल्ट ही भाई साहब 60-70% अगर आ गया ना बीएससी में ग्रेजुएशन में तो वहां के राजा कहलाते, और राजा तुम्हारे कहने से बिल्कुल नहीं होता कि रिजल्ट यार 60% 62% ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने उनके बीच में फाइट की है, उनमें जीते हो आप, तो इसलिए जीत का जश्न मनाइए, खुशी मनाइए और अपने बड़ों का आशीर्वाद अपने साथ रखिए। नेगेटिव लोगों को दरकिनार कर दीजिए मोबाइल से लेकर के दिमाग तक, और अपने उस जो हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर उससे हटा दीजिए उन्हें, क्योंकि इन लोगों की जरूरत आपको नहीं है। ये नेगेटिव लोग सिर्फ आपकी नेगेटिव थिंकिंग पैदा करेंगे, मैं तो कहता हूं पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, चाहे वो भले ही असफल व्यक्ति हो लेकिन अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन देता है, अगर पॉजिटिविटी आपके अंदर पैदा करता है तो वो असफल व्यक्ति भी आपके लिए सफलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण साबित हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो सभी लोगों को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से बिहार एस्टेट का जो एग्जामिनेशन होने वाला, डट जाइए पूरी तरीके से, पूरी ताकत झोंक दीजिए अपनी इसके अंदर, क्योंकि आप भी अब इसमें सेलेक्ट होंगे, ये भी मेरा वादा है। बिहार एस्टेट में 100% आज ये 40 है, ये 40 की गिनती कन्वर्ट करूंगा अब मैं 100+ में ले जाऊंगा, इसलिए आप पूरी ताकत झोंक दीजिए। जितने भी केमिस्ट्री के सिलेक्शंस होंगे बिहार में अब वो एरोमा से होंगे, और एरोमा पूरी मेहनत करेगा उनके लिए, हर तरीके की मेहनत करेगा, और इसी तरीके से पीजीटी में भी हम परचम लहराएंगे, यूपी पीजीटी में भी हमारा परचम लहराया जाएगा, ये निश्चित है। हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो पूरी ताकत झोंके दे रहे हैं, अपनी लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परीक्षा लेट हो रही है इसी वजह से थोड़ा सा वो अभी साइलेंट मोड में है, जब वो एक्टिवेट होंगे ना तो वाइब्रेशन भी होगा उनकी बॉडी के अंदर, देखना इस साल 100% यूपी पीजीटी में भी वो अपना परचम लहराएंगे। एग्जामिनेशन 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन तैयारी अगर आपने अभी परफॉर्मेंस अपनी बढ़िया कर ली तो फिर टेंशन बिल्कुल आपको नहीं रहेगी, आप भी इन्हीं बिहार वालों की तरह, हालांकि यूपी में मेरिट हाई जाती है, 125 में से आपको कम 90+ नंबर तो लाने ही होते हैं, आप 100+
मान के चलिए 90 के प्लस के बाद उम्मीद जगते हो 100 पर फाइनल हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो यूपी पीजीटी में भी इसी तरीके से एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के हम सभी मित्र और साथी पूरी ताकत झोंक देंगे और पूरी तरीके से जो आपको मैटर प्रोवाइड कर दिया है इसमें भी देखिए एक मैसेज और अभी मेरे भाई ने भेजा है, मैं इसको भी अभी देख करके बताऊंगा कि आपको किसने ये मैसेज भेजा है। तो मुझे उम्मीद है कि शाम तक हम लोग 40 प्लस की गिनती पार करेंगे। तो आज यार वाकई में बहुत खुशी हो रही है, मन तो करता है आपको एक बार गले लगा लूं, दिल जीत लिया आज आप लोगों ने मेरा। बिहार झारखंड में भी हम लोगों ने जब तक शाम तक रिजल्ट आया था 12 कैंडिडेट थे, फिर दूसरे दिन 14 हो गए और लास्ट ऑफ फाइनल स्टेज में 16 मेरे फाइनल हैं। जो है सच वो बोलता हूं, कोई डर झिझक नहीं लगती। और यहां आज 32 तक फाइनल था, 2 के मैसेज अभी थे, 34 हो गए, शाम तक ये 40 की गिनती मैं आपको पूरी करके दूंगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि लोग मैसेज शाम तक जरूर करेंगे। तो अगर आप सेलेक्ट हुए हैं बिहार पीजीटी फेज 2 एग्जामिनेशन में, अगर आपने अपना एम हमारे इस चैनल की मदद से जरूर निकाला, आपको जरा भी सहयोग अगर हमारा मिला है, तो फिर प्लीज इसके कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए। आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपकी जीत हमेशा हो, आपकी जय जयकार हो, बिहार में आपका नाम हो, और इसी बिहार पीजीटी की बदौलत आप लोगों की, हमारे जो देश के नौनिहाल हैं उनकी सेवा करें। धन्यवाद।